डिटेल में देखते हैं फर्स्ट है जी चूज़ ट्रांजिशनल वर्ड नंबर टू पिक अ वर्ड अ क्लू वर्ड नंबर थ्री पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द आंसर वर्ड और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अब हम वन बाय वन इन टेक्निक्स को इन स्ट्रेटेजीज को हम डिटेल में जो स्टडी करते हैं लुक फॉर द ट्रांजिशनल वर्ड इन योर सेंटेंसेस ट्रांजिशनल वर्ड्स हम यहाँ पे देखते हैं होते क्या हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस जो सेंटेंसेस को आइडियाज को पैराग्राफ्स को को कनेक्ट करते हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप शो करने के लिए कनेक्ट द दे असिस्ट इन द लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज उनके दरमियान जो आइडियाज का फ्लो है उनके दरमियान दो पैसेजेस के दो सेंटेंसेस के दो फ्रेजेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन कौन सा है अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम इसमें से ट्राई करते हैं कि हम इसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू बाबर नॉवले शुड नॉट प्रीच इसमें हमारा ट्रांजिशनल एलिमेंट फॉर है फॉर जो है ये कॉज एंड इफेक्ट है रीजन है तो हमें आइडिया होना चाहिए अगर हम यहां तक भी सेंटेंस को रखें तो हमें पता है कि आगे क्या होगा शुड नॉट प्रीच क्योंकि अब रीज़न बताई जाएगी उसकी आगे कि क्यों नहीं प्रीच करनी चाहिए हो सकता है कि उसके फिक्शन में जो है कोई इफेक्टिविटी ना हो उसकी कोई प्लेस ना बनती हो और वही चीज़ यहाँ पे देखें लिखें नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो ट्रांजिशनल एलिमेंट है वो सो है सो में अगर हम देखें तो ये रिजल्ट है एक्शन और उसका रिजल्ट क्या होगा अगर आप ये देखें यहां तक हमें आइडिया हो चुका है कि इसके बाद क्या हो सकता है वाटर मेन डाउनटाउन ब्रोक अगर डाउनटाउन में जो वाटर पाइपलाइन जाती है वो अगर टूट चुकी है तो अब नेक्स्ट पार्ट में ये पता है कि वहां पे वाटर नहीं होगा तो वही देखें लिखा हुआ है सेवल बिजनेस हैड नो वाटर फॉर नेक्स्ट देखें थर्ड में हमारे पास जो है वो सिमिलरली है सिमिलरली स्पोर्ट सिग्नल है जिसमें दोनों साइड पे हम सिरनम या सेम सिचुएशंस को फाइंड आउट करेंगे आमिर वास क्लियर्ड ऑल ऑफ चार्जेस उसे क्लियर कर दिए गए चार्जेस से इसका मतलब है उसे माफीनामा मिल चुके अब हमें पता है कि जो अगली साइड पर भी सेम मीनिंग देगा तो अगले साइड पर विडिकेटेड लिखे जिस तरह से आमिर को जो चार्जेस से क्लियर किया गया तो सलमान को भी विंडिकेट विंडिकेट मीन फ्री ऑफ चार्जेस बाजात एक कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है तो बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है बल्कि उसी वर्ड का किसी ना किसी सेंटेंस का कोई दूसरा वर्ड उसको डिफाइन कर रहा होता है जैसे कि विंडिकेट को क्लियर ऑफ ऑल चार्जेस हमें बता रहा है कि ये उसका मीनिंग है और ये किसकी वजह से पता चल रहा है सिमिलरली अगर यहाँ पे ऑल दो होता तो हमें ये आइडिया होता कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं नेक्स्ट देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास है ऑल दो ऑल दो जो है कंट्रास्ट सिग्नल है ये हमारा जो ट्रांजिशनल वर्ड है ये बताएगा कि दोनों ऑपोजिट हैं टाइगर सॉलिट्री बीस्ट है सॉलिट्री अकेला है तो दूसरा जो है ग्रीगेरियस है ग्रीगेरियस एनिमल मीन सोशल एनिमल है तो सॉलिट्री और ये दोनों एक दूसरे के सॉलिट्री और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए जो कि हमें ऑल दो बता रहा है नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज अ ट्रक स्टोल हर पार्किंग स्पॉट कॉन्सिक्वेंटली ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट है तो यहाँ से भी हमें पता चलेगा उसने लिया तो डेफिनेटली सलमा स्क्राउलिंग्स का और तो वो डिस्प्लेयर शो करेगी क्योंकि पाक उसके जो प्लेस थी वहां पे कोई और कर गया देन है बिकॉज बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट है कॉज एंड इफेक्ट में स्टीरियो जो है वो फुल ब्लास्ट पे है साउंड बहुत ज्यादा है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि दूसरी साइड पे जो कुछ भी कहा जा रहा है उससे सुनने में प्रॉब्लम है या वो सुनाई नहीं देगा तो ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्योंकि इन ये हमें बताते हैं कि हमने जो सेकेंड पार्ट में जो हमारा जो सेंटेंस का सेकेंड पार्ट होगा उसका मीनिंग क्या हो सकता है और उसमें कौन कौन से वर्ड्स आने चाहिए है. अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स कितनी टाइप्स के हैं हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स फोर टाइप्स के होते हैं सिग्नल वर्ड्स फोर सिग्नल वर्ड्स कॉस एंड इफेक्ट और डेफिनेशन एंड एपोजिशन ट्रांजिशनल वर्ड्स ट्रांजिशनल वर्ड्स में सबसे पहले कंट्रासिंगल वर्ड है सिग्नल वर्ड्स में हम जब भी जो कंट्रास्ट सिंगल वर्ड्स हमें सेंटेंस में नजर आएगा तो हम एंटेनम्स फाइंड करेंगे यानी कि दो ऐसी सिचुएशन या वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे जो दो से एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी और ये वो वर्ड्स हैं जैसे बट येट ऑल दो दो इवन दो हा एवर वेयर एज इन कंट्रास्ट टू कंट्रेरी टू नॉट विथ स्टैंडिंग एंड मैनी अगर ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं तो हम कंट्रास्ट सिंगल यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट जी अब हम एक इस एग्जांपल uh, को देखते हैं डिस्पाइट द अनफेवरेबल अटेंशन बॉट ऑन बाय मीडिया द प्रेस हैड अ डैश इफेक्ट ऑन द कैंपेन फोर ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे वी ट्राई दैट कि हम यहाँ पे विदाउट ऑप्शन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें सबसे पहले आप गेस करें कि ऑप्शन में कौन सा वर्ड आना है हमारे पास सबसे पहले वर्ड आता है डिस्पाइट और फिर उसके साथ जो हमने क्लू फाइंड करना है वो अनफेवरेबल अनफेवरेबल नेगेटिव है तो अल्टीमेटली डिस्पाइट की वजह से जो ब्लैंक में आएगा वो पॉजिटिव वर्ड होगा जैसे कि डिस्पाइट वर्ड आ चुका है वो अनफेवरेबल नेगेटिव है तो ब्लैंक में पॉजिटिव वर्ड आएगा अब हम देखते हैं हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को जैसे कि हमारे पास है ऐप ऐप पॉजिटिव डिलीट सब जानते हैं अगर यह मीनिंग नहीं भी आता तो कोई बात नहीं डिलीट सब जानते हैं नेगेटिव है खत्म करना इनर्ट इनर्शिया इन नेगेटिव और इक्वल जो है ये न्यूट्रल है तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन आंसर बनती है नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देते हैं ऑल द मो इनवर्स डैश टू एडमिट हिज गिल्ट ऑल दो कंट्रास्ट है कंट्रास्ट है तो हमने जो दो ऑप्शन होंगी वो अपोजिट होंगी मोइनवस डैश टू एडमिट हिस गिल्ड या वो अपने गिल्ट को एडमिट कर जल, कर लेता है या नहीं करता रिलक्टेंट है या रिलक्टेंट नहीं है वो हमने आगे चल के देखना है ही अल्टीमेटली कन्फेस्ट दैट ही एट स्टोलन उसने कन्फेस्ट कर ली है अगर वो उसने कन्फेस्ट कर ली है तो ये पॉजिटिव एलिमेंट है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा इसका मतलब है यहाँ पे जो वो कन्फेस्ट करने में हमेशा जो रिलक्टेंट होता है तो इसलिए यहां पे अब नेगेटिव वर्ड चाहिए था तो ईगर ईगर जो है वो हमारा ईगर आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निकाल देंगे स्विफ्ट भी पॉजिटिव है ये हम निकाल देंगे ग्रेटफुल भी पॉजिटिव है ये भी निकाल देंगे और ये हमारा आंसर रिलकटेंट बन जाएगा तो इस तरह से हमने ये देखा जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं ये हमारे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन को कितना इजी बना देते हैं एक और एग्जांपल देखिएगा अनलाइक द अन इंट्रस्टेड नेबर्स अलीवर्स डैश अबाउट वॉट वुड बिकम ऑफ द अब हाउस डाउन द स्ट्रीट अनलाइक हमारे पास कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है और अन इंटरेस्टेड नेगेटिव है अन इंटरेस्टेड नेगेटिव है तो हमें पता है अब यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए ठीक है तो वो अगर अन इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे कोई क्यूरियोसिटी वाला वर्ड आएगा तो सस्पिशियस नहीं होगा अर्नेस्ट नहीं होगा इंटर्मिंडेटेड नहीं होगा और ये इनक्विजिटिव ये हमारा आंसर क्योंकि ये क्यूरियोसिटी के इक्वल है नेक्स्ट हम चलते हैं जी हमारे पास आता है स्पोर्ट सिग्नल वर्ड्स इसमें हम लोगों ने सिरनम्स फाइंड आउट करने होते हैं कि जब भी हमारे पास ये वाले जो वर्ड्स अभी आगे फर्दर आएंगे ये टेबल जो आपको नजर आ रहा है कि इस टेबल में आने वाले जब भी वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखाई दें तो आप हमेशा दो सिचुएशंस या दो वर्ड्स ऐसे फाइंड आउट करें जो मीनिंग में एक दूसरे के इक्वल हों यानी कि सिनोनिम्स आप फाइंड आउट करेंगे इनमें एंड है सिमिलरली इन एडिशन टू एडिशनली फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस दैट इज लाइक वाइज सेम एज लाइक ये सारे वर्ड्स जब भी आएंगे ये एग्जाम्पल्स हैं एंड मैनी मोर तो हमने सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें दाउद इज अ डिसरिस्पेक्टफुल एंड अगर एंड आ जाए तो आगे सेंटेंस ना भी पढ़ा जाए तो यहां पर हमारा एंड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा क्योंकि एंड के एक तरफ जो भी वर्ड मीनिंग होगा एंड के दूसरी तरफ सेम मीनिंग वाला वर्ड आएगा और आगे हम सेंटेंस को ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होने वाला है फॉर एग्जाम्पल देखिए ये इसकी ऑप्शनस आ गई ऑप्शनस को बाद में देखते हैं अब देखें कि डिसरिस्पेक्टफुल नेगेटिव है है एंड के बाद भी नेगेटिव वर्ड ही आएगा और वो कौन सा हो सकता है देखिए हम ये देखते हैं अलूफ विटूपरेटिव बॉन्टीफुल बी ओ यू एन टी आई अगर आ जाए तो ये पॉजिटिव है ए बी पॉजिटिव है ये दोनों है अलूफ जो है ये न्यूट्रल है ये अलूफ अकेला तनह को कहते हैं जिसका डिसरिस्पेक्टफुल के साथ कोई रिलेशन नहीं है ये हमारा एलिमिनेट हो गया तो ये हमारा आंसर बी बनेगा तो इस तरह से हमने जो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर हमें ट्रांजिशनल वर्ड्स अगर हम वे कमांड हो तो एक और एग्जांपल को दें हैं मानीवर्स डैश अबाउट द अपकमिंग इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो परेशान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता एंड एंड आ चुका हुआ है अब एंड हमें बताएगा कि हमने क्या करना है एंड के बाद लिखा हुआ है ही वॉज ओनली मेड मोर डैश बाय द न्यूज़ पेपर अकाउंट्स ऑफ इट अब यह है कि अगर यहाँ पे वो परेशान है यहाँ पे अगर नेगेटिव वर्ड आएगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड आएगा और अगर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आएगा फर्स्ट ब्लैंक में तो सेकेंड में भी पॉजिटिव ही आना चाहिए अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि नेगे दोनों साइड पे नेगेटिव कौन से वर्ड्स हैं अगर हम देखेंगे ए ऑप्शन में फर्स्ट नेगेटिव है इजी गोइंग पॉजिटिव है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता बी ऑप्शन में अग्रेसिव है नेगेटिव और काम जो है ये पॉजिटिव है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता तीसरे में हम देखें रिलैक्स पॉजिटिव है स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता एंक्शस जो है ये नेगेटिव है नर्वस नेगेटिव है तो हमारा आंसर ये होगा तो हमें मीनिंग पर जाने की जरूरत ही नहीं है और हम पॉजिटिव नेगेटिव टेक्निक को यूज करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं एक और देखिए कॉन्ट्रेड टू द पॉपुलर ओपिनियन बैट्स आर जनरली एग्रेसिव एंड रैबिड सेमी कॉलन मोस्ट आर शाए एंड डैश आप देखें हमें पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास ये शाए शाए का ही यहाँ पे सिनम चाहिए चाय का जो भी सिनोनिम होगा वो हमारे पास आंसर होगा तो हमारे पास आंसर इनाक्वस जो होता है वो हार्मलेस को कहते हैं पंक्चुअल डिस्फिगर्ड एंड डिप्रेब तो हमारे पास आंसर इसका डी ऑप्शन होगी नेक्स्ट हम चलते हैं जी हमारे पास हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट इसमें हम जो ऐसे वर्ड्स uh, को इंडिकेट दीज वर्ड्स इंडिकेट दैट वन थिंग कॉजेज अनदर टू अकर यानी कि ये एक्शन और रिएक्शन वाला जो इसमें रिलेशनशिप होगा एक्शन गिवन होगा और रिएक्शन फाइंड करना है रिएक्शन गिवन होगा और एक्शन फाइंड करना है अगर ये वाले वर्ड्स हैं बिकॉज दे आर फोर हैंस फॉर दस एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर दिस रीजन कॉन्सिक्वेंटली फॉर सेंस इफ एंड देन जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो हम कॉज एंड इफेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल आई फेल ऑफ माई and एंड लैंडेड ऑन sharp broken glasses. एज अ रिजल्ट आई हैव आई नाव हैव सेवल डैश अब हमारे पास जो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाला जो ट्रांजिशनल एलिमेंट है वो है एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट है ये हमें बता रहा है कि हमारा जो दोनों पार्ट्स का रिलेशनशिप है वो कॉ एक्शन और रिएक्शन वाला होगा एक्शन इसमें है लैंडेड ऑन सम शार्प ब्रोकन ग्लासेस ये हमारा लैंडेड ऑन सम शार्प ब्रोकन ग्लासेस तो ये हमारा एक्शन है अब वो अगर वो गिरा है शार्प ब्रोकन ग्लासेस पे तो ऑब्वियसली उसकी जो रिजल्ट होगा उसकी इंजरी में इंजरी की सूरत में होगा तो रिजल्ट जो वो इंजरी है हमारे पास ऑप्शन आ गई ए में लेसरेशन्स है एक है सर्जरीज और कंट्यूजनस अब हमने सबसे पहले तो उन दो ऑप्शन को उन ऑप्शन को एलिमिनेट करना है जिन ऑप्शन का इंजरी के साथ रिलेशन नहीं है बी का इंजरी के साथ रिलेशन नहीं है और सर्जरीज का इंजरी के साथ रिलेशन नहीं है क्योंकि गिरकर पहले इंजरी तो देन फिर एक सारा सर्जरीज होती हैं तो इसलिए ये दोनों हो गए अब हमारे पास जो आंसर की चॉइस बाकी बच गई दैट इज लेसरेशन्स और कंट्यूजन ये दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं हमारे लेकिन अब हमने इन दोनों में से सिलेक्ट करना है तो हमने ये देखना है सिलेक्ट कैसे करना है ये दोनों हमारे पास दो ऑप्शन आ गई तो अब हमारे क्लू में हमें फाइंड आउट जो बताएगा कि हमारा क्या आंसर होगा तो शार्प ब्रोकन ग्लास पे जब कोई गिरता है यानी कि यहाँ पे वो गिरा है तो अल्टीमेटली उसको कट लगे होंगे और ऐसी इंजरी जिसमें कट लगे वो लेसरेशन्स होती हैं और कंटिन्यून इंटरनल इंजरीज को कहते हैं इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो लेसरेशन है नेक्स्ट हम देखते हैं द टीचर ओनली हैज़ वन कॉपी ऑफ वर्कशीट राइट नॉ सो सो बता रहा है एक्शन एंड रिएक्शन एक कॉपी है तो जब भी किसी दो और कोई देना होगा तो उस कॉपी की डुप्लीकेट किया जाएगा उसको कॉपी करवाया जाएगा तो इसलिए ट्रांसलेट नहीं हो सकता एक्सपेंड नहीं हो सकता प्लेजराइज नहीं हो सकता तो हमारा आंसर यहाँ पे डुप्लीकेट होगा देन थर्ड पे हम चलते हैं बिकॉज द हाउस हैज अ वो टू ओवर राइड प्रेजिडेंशियल वीडो प्रेजेंट है नो चॉइस बट टू डैश अब अगर हम यहाँ देखें तो बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट है कि अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं जैसे देखें एक है हाउस और दूसरा है प्रेजिडेंट हाउस की पावर उसकी वोट होता है और प्रेसिडेंट की पावर वीटो होता है वीटो से वो किसी भी लॉ को कैंसिल कर सकता है अगर हाउस अब इन दोनों में से देखना स्ट्रॉन्ग कौन सा है अब यहाँ पे हमारे पास एक हाउस है पार्लियामेंट हाउस दूसरा प्रेसिडेंट है अब देखना ये है कि वेदर इसमें बिकॉज हाउस हैज द वोट्स टू ओवर राइड अब वोट्स हैं इसके पास अगर वोट्स ज्यादा हैं तो वो प्रेजिडेंट पे ओवर राइड कर जाएगा तो हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अगर वोट्स नहीं है तो फिर क्या होगा फिर प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हाउस से इस सिचुएशन में जो हमारे पास गिवन है इस सिचुएशन में तो हमारे पास हाउस के पास वोट है वो ओवर कर सकता है ओवर करने का मतलब ये है कि वो अपने वोट्स के प्रेजिडेंट के वीटो को खत्म कर सकता है तो इसलिए यहाँ पर प्रेजिडेंट वीक है और हाउस स्ट्रॉग है अगर प्रेजिडेंट वीक है और हाउस स्ट्रांग है तो अब हाउस जो भी कहेगा प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट उसको मानेगा उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट आंसर नहीं है कंप्रोमाइज जरूर करेगा ना भी चाहेगा लेकिन उसे करना पड़ेगा कंप्रोमाइज उसको छोड़ नहीं सकता उसको एब्सटेन नहीं कर सकता इसका मतलब कि ना हमारा बी ऑप्शन आंसर है ना डी ऑप्शन आंसर है हमारा आंसर जो है वो कॉम्प्रोमाइज है तो ये हमारे पास जो थर्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट था वो है कॉज एंड इफेक्ट नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेफिनेशन और एपोजिशन डेफिनेशन और एपोजिशन में क्या होगा जी कि जो हमने अभी वोकैब्लरी इन कॉन्टेक्सट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वोकैब्लरी इन कॉन्टेक्ट वाले क्वेश्चन में जिस तरह से वर्ड जो मिसिंग होता था उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती तो ये एपोजिशन या डेफिनेशन वाली टाइप में आता है इसमें ही हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसमें कॉमा आ सकता है सेमी कॉलन कॉलन हाइफंस ब्रैकेट्स, दैट दैट में हु भी आ सकता है विच भी आ सकता है और बी फॉर्म मीन इज आर एम वॉज वर ये सारी इस टेक्निक को शो करती हैं. फॉर एग्जाम्पल द केमिस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस डैश अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वर्ड है दैट हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है कि हमने और आगे ये सारे के सारे उसकी ऑप्शन हैं. दैट जो डेफिनेशन वाला पॉइंट शो कर रहा है उसके बाद वर्ड आ गया और वर्ड की आगे डेफिनेशन क्योर ऑल द डिजीजेस जो कि तमाम डिजीज को क्योर करती हो ऑप्शन में देखते हैं सिम्टम्स मेडिसिन इंजेक्शन पेनीसिया अगर हमें प्रिफिक्सिस और सफिक्सिस का नॉलेज हो तो हम सिंगल वर्ड से सिर्फ एक वर्ड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वो वर्ड ऑल है अब हमने वो वो वर्ड चूज करना है जिसका ऑल से रिलेशन होगा अगर ऑल से रिलेशन नहीं है तो हमारा आंसर नहीं बनेगा सिम्टम्स तो हमारा आंसर नहीं है सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट करें फिर मेडिसन और इंजेक्शन दोनों सिनोनिम्स हैं एक लिक्विड है एक सॉलिड है और दो सिनोनिम्स अगर हमारे क्वेश्चन ऑप्शंस uh, में दो सिनोनिम्स आ जाएं तो हमारा आंसर नहीं होता और वैसे भी मेडिसन और इंजेक्शन जो होते हैं ये ऑल के साथ भी मैच नहीं करते और अगर हम थर्ड फोर्थ पे देखें तो हमारा आंसर ये है क्योंकि इसमें वर्ड पेन है पेन जो है इसका मतलब होता है ऑल तो पेन ऑल और ऑल और ऑल को मैच कर लिया ये हमारा आंसर हो गया तो इस तरह से हम अपने जो नॉलेज है अपना जो फिक्सिस और प्रिफिक्सिस प्रिफिक्सिस uh, का नॉलेज है उसको भी यूज करके हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं द साइंटिस्ट नेक्स्ट देखें द साइंटिस्ट ट्राइड टू टेस्ट द रैट्स डैश टू सी हाउ द रैट एडजस्टेड द चेंजिंग कंडीशन अब यहां पे हमें सेमी कॉलन बता रहा है कि हमने यहां पर जो अपोजिशन uh, वाला फॉर्मूला uh, जो लगाना है यहां पे हमारे पास है एडजस्टेड टू द चेंजिंग कंडीशन ये हमारे पास डेफिनेशन है जो कि यहां पे मिसिंग वर्ड में आनी है तो ये जो डेफिनेशन

अब यहां पे अगर हम देखें तो उसके बाद पढ़ें इट हैज वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स और जिसमें नीडेड फॉर अ हेल्थी डाइट जो कि हेल्थी है डाइट है तो अब जो हेल्थी भी हो प्रोटीन भी हो वेजिटेबल भी हो डिलीशियस है ये क्लोज ऑप्शन है ये आई कैचर है आई कैचर ऐसी ऑप्शन को कहते हैं जो कि बस यही कहता है कि मैं ही आंसर हूँ दूसरों की तरफ जाने ही नहीं देता तो इसलिए डिलीशियस तो होती हैं लेकिन हर डिलीशियस जो डिश होती है वो हेल्थी और उसमें प्रोटीन्स नहीं होते तो उन्होंने सिर्फ जो इंडिकेट किया है कि उसमें प्रोटीन भी है वेजिटेबल भी और हेल्थी डाइट है तो वो हेल्थी जो है वो न्यूट्रिशियस होगी एडिबल सारी होती हैं तो इसलिए हमारा आंसर बी ऑप्शन है तो so, ये हमारे पास ट्रांजिशनल एलिमेंट का फोर टेक्निक फोर्थ ट्रांजिशनल एलिमेंट था देट इज डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास था कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स देन स्पोर्ट्स सिग्नल वर्ड्स, दें कॉज एंड इफेक्ट देन हमारे पास डेफिनेशन